नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश के सागर जिला गढ़ाकोटा में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की बैठक, कार्यकारिणी के पदाधिकारियों द्वारा हुई बैठक में सर्वसहमति से समितियों का विस्तार हुआ, जिसमें नए पदाधिकारियों को जोड़ा गया एवं प्राइवेट स्कूलों को खोलने के लिए सभी ने अपनी अपनी बात रखी। बैठक में अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। देखिए खास रिपोर्ट एमपी न्यूज कास्ट का चैनल पर। गढ़ाकोटा से रामिलन कुर्मी की रिपोर्ट। आज एसपी मेमोरियल कॉन्वेंट स्कूल गढ़ाकोटा में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की मीटिंग हुई। मीटिंग में सभी अधिकारी पदाधिकारी लोग उपस्थित हुए। अध्यक्ष गोवर्धन नामदेव, उपाध्यक्ष मुकेश कुमार सेन एवं सभी सक्रिय कार्यकर्ता आज उपस्थित रहे। इनकी उपस्थिति में समिति का विस्तार हुआ, जिसमें उन नए अधिकारी पदाधिकारी गणों को जोड़ा गया। साथ ही संगठन को मजबूत बनाने के लिए सभी लोगों ने आज अपने अपने बात को रखी। इसके साथ साथ स्कूल के संबंधित भी चर्चा रखी गई, कैसे स्कूल खोलना है कि नहीं खोलना है, ये सारी चीज़ें आज यहाँ पर रखी गई हैं। और गवर्नमेंटों से जो आदेश मिलते हैं उसके बारे में भी चर्चाएं हुई। यदि गवर्नमेंट हमें दिशा निर्देश देता है स्कूल ओपन करने की तो स्वागत है, नहीं देता है तो आगे की रणनीति हम लोग की क्या रहेगी, क्योंकि बच्चों का लॉस हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है पढ़ाई लिखाई का। तो उस रणनीति के बारे में बहुत कुछ चर्चाएँ हुई। अब देखना है अल्लाह के फायदे में गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट की क्या दिशा निर्देश होती है, क्या गाइडलाइन होती है। गवर्नमेंट कहता है स्कूल ओपन करने की, उनकी जो गाइडलाइन होगी उसी के अनुरूप हम लोग काम करेंगे और आगे अपना स्कूल स्टार्ट करेंगे। और यदि गवर्नमेंट स्कूल से रिलेटेड कुछ नहीं कहता है तो फिर निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बच्चों का लॉस ना हो उनको सोचना होगा। ऑनलाइन गवर्नमेंट ने क्लास फर्स्ट से एट तक का बंद कर दिया है कि नहीं पढ़ा सकते, तो ऑफलाइन बगैर बच्चे को बुलाए हम कैसे सोशल का वर्क कर सकते हैं, बच्चों को काम करा सकते हैं समाज में। तो ये सब पहल हम लोगों को करना होगी। जैसे गवर्नमेंट चला रही है मेरा घर मेरी पाठशाला, तो हम भी ऐसा कुछ करेंगे। इस तरह से ये भूमिका अदा की गई सभी लोगों के बीच में। आज मीटिंग बहुत अच्छी रही, सभी लोगों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए। धन्यवाद।